गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिष्ट धारा जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर के बारे में। डायरेक्ट करंट जनरेटर दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दिष्ट धारा जनरेट करेगा यानी दिष्ट धारा ये उत्पन्न करेगा, डायरेक्ट करंट ही उत्पन्न करेगा। डायरेक्ट करंट के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था। डायरेक्ट करंट क्या होती है कि एक ही दिशा में होती है, या तो ये धनात्मक दिशा में हो, केवल धनात्मक धनात्मक, या फिर ऋणात्मक दिशा में हो। और धनात्मक इस करंट का उपयोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमर्शियल जो यूज होते हैं, व्यवसायिक यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट होते हैं वो डायरेक्ट करंट पे ही चलते हैं। और हम जो ऋणात्मक वाली हमने जो देखा है उस पर वो कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दिष्ट धारा जनरेटर काम कैसे करता है। दोस्तों, ये यहाँ पे कुंडली होती है, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में थी। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दो चुंबक है, इनके बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये क्या है, ए बी सी डी कुंडली है, ये घूमती है तो घूमेगी। लेकिन यहाँ पर एक अलग अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। कम्यूटेटर कम्यूटेटर एक धातु की वलय होती है, उसके दो टुकड़े कर लेते हैं और इस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसमें ब्रश मान लीजिए बी वन कनेक्टेड है और ये कम्यूटेटर सी वन है, कम्यूटेटर सी टू, इस पर ब्रश बी टू जुड़ा हुआ है। ये ब्रश बी वन कभी तो सी वन से जुड़ा हुआ होता है, कभी सी टू, कभी बी टू सी टू से जुड़ा होता है, कभी बी टू सी वन से जुड़ा होता है। मतलब ये इन कम्यूटेटर पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। कभी तो बी वन सी वन से जुड़ा होता है, कभी बी वन सी टू से जुड़ा होता है, इसी प्रकार से कभी बी टू सी टू से जुड़ा होता है, कभी बी टू सी वन से जुड़ा होता है। तो ये कम्यूटेटर क्या है, धातु वलय के दो टुकड़े हैं, धातु वलय के दो टुकड़े हैं। धातु वलय क्या होता है, धातु वलय का मतलब है कोई भी रिंग डिस्क होती है धातु के, उसके हम दो टुकड़े कर लेते हैं, धातु के डिस्क के दो टुकड़े कर लेते हैं, धातु वलय बन जाता है। अब ये काम कैसे करता है, ये कुंडली है, ये इसको हम घुमाते हैं दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में जब भी किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है, धारा जनरेट होती है। तो धारा की दिशा एक बार तो यूं होगी और एक बार विपरीत दिशा होगी, क्योंकि दो बार दो स्थितियां होगी कुंडली की। एक बार तो आधी आधी दूरी तय करेगी, फिर से समांतर हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र से, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के एक बार समांतर होगा और दूसरी बार भी घूम के आएगी। जब समांतर होगी एक चक्कर में दो बार समांतर होंगी तब धारा का मान शून्य होगा, और जब ये आधा चक्कर करेगी तो धारा इस एक दिशा में घूमेगी, और जब ये दूसरा चक्कर करेगी, मतलब एक चक्कर में दो भाग होते हैं, पहले भाग में ये एक दिशा में धारा प्रवाहित होगी और दूसरे भाग में दूसरे दिशा में धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए, मान लीजिए ये धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी तो धारा यहाँ से होती हुई जाएगी, तो ये सिरा धनात्मक हो जाएगा और ये सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, जब मान लीजिए धारा की दिशा विपरीत हो गई, तो जब धारा की दिशा इस तरीके से थी, यानी ये किस दिशा है, वामावर्त, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में है, वामावर्त दिशा में थी। जब धारा की दिशा वामावर्त दिशा में थी तो बी वन किससे जुड़ा हुआ है, सी वन से, और ब्रश बी टू किससे जुड़ा हुआ, सी टू से। अब लोड में धारा किस तरह प्रवाहित हो रही है, इस तरह। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब धारा दक्षिणावर्त हो, ये भाग एक है, भाग एक है, अब भाग दो में देखिए क्या हो रहा है। जब धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त होती है, तो अब ये जो बी वन होता है, अब ये धारा की दिशा क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, यानी इस दिशा में हो गई, तो इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। लेकिन ये जो सी टू सिरा है, ये अपना धनात्मक हो जाएगा, तो बी टू किससे जुड़ जाएगा, बी टू घूम कर किससे जुड़ेगा, सी वन से।
B2 किससे जुड़ जाएगा? C1 से। B1 तो जुड़ जाएगा C2 से और B2 जुड़ जाएगा C1 से। अब ये देखिए आप कि B1 पहले क्या था, B1 धनात्मक था और B2 ऋणात्मक था, क्योंकि जिस जिस सिरे पे धारा घुसती है वो ऋणात्मक होता है और जिस सिरे पे निकलती है वो धनात्मक होता है। तो अब ये B1 क्या हो गया, C2 से जुड़ गया। देखिए B1 C2 से जुड़ गया, अब C2 से धारा निकल रही है तो C2 क्या होगा, धनात्मक होगा, तो B1 भी धनात्मक होगा और C1 जो है वो ऋणात्मक हो गया तो B2 भी ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से अभी भी जो B1 सिरा है वो धनात्मक है और B2 सिरा ऋणात्मक है, तो उसके कारण क्या है, लोड में अभी भी धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। एक बार फिर से इसको समझते हैं। जब मान लीजिए कि अब इसको मैं मिटा रहा हूँ इसको समझाने के लिए, मान लीजिए ए सिरा है और ये डी सिरा है, यहाँ पे कम्यूटेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्रश B1 है, C1 है, ये C2 है और ये B2 है, ये लोड है। मान लीजिए धारा इस तरफ फ्लो होती है, पहले हमने इस तरफ कंसिडर की, ये कौन सी दिशा है, वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब धारा इस तरफ फ्लो हो रही है तो C1 क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसमें से होकर धारा निकल रही है, और ये सिरा भी धनात्मक हो जाएगा क्योंकि इसमें से धारा निकल रही है, जिस सिरे से धारा निकलती है वो धनात्मक हो जाता है, तो ये सिरा धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक, धारा की दिशा ये होगी, ये सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, C2 ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब धारा वामावर्त फ्लो होती है तो B1 C1 से कनेक्ट होता है और B1 का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक, और B2 किससे जुड़ा रहता है, C2 से, क्योंकि धारा इसके अंदर घुस रही है इसलिए ये सिरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इस सिरे से निकल रही है इसलिए धनात्मक हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में देखिए क्या होगा, ए है ये डी है, अब हमने क्या कर दिया, धारा की दिशा बदल दी, यानी इस सिरे से धारा निकल रही है, तो इस सिरे से धारा निकल रही है, देखिए यहाँ पे, तो ये सिरा क्या हो जाएगा, C2 धनात्मक हो जाएगा, पहले C2 धनात्मक था लेकिन ये जो B1 है ये घूमकर किससे जुड़ जाएगा, C2 से जुड़ जाएगा, तो B1 अभी भी धनात्मक हुआ और B1 से जो लोड जुड़ा हुआ है, लोड किससे जुड़ा हुआ है, B1 से जुड़ा, पहले भी B1 का सिरा जुड़ा था लोड से, तो B1 वाला सिरा यहाँ देखिए धनात्मक है, यहाँ धनात्मक है, तो B1 लोड से वैसे ही जुड़ा हुआ है, लोड तो चेंज नहीं हुआ, तो धारा की दिशा अभी भी क्या है, B1 से B2, यहाँ B1 से B2 की तरफ फ्लो हो रही है और अभी भी यहाँ से B1 से B2 की तरफ फ्लो हो रही है, तो धारा ये B2 सिरा, यहाँ B2 पृष्ठ किससे जुड़ गया, C1 से, अब C1 में धारा घुस रही है इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये B2 C1 से जुड़ा हुआ है और B1 C2 से जुड़ गया, तो धारा की दिशा अभी भी कहाँ से, B1 से B2 है, यहाँ भी B1 से B2 थी, तो धारा की दिशा हमेशा समान रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा जनित्र बोलते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर इसमें समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।